नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, इससे आपका मोबाइल का ना फिंगरप्रिंट काम करेगा, ना पासवर्ड काम करेगा, ना पैटर्न लॉक करेगा, ना पिन काम करेगा। तो काम करेगा क्या, क्वेश्चन तो ये है। जैसे आपने किसी को पिन अगर बता भी दिया तो वो पिन दोबारा से चेंज हो जाएगा और वो फिर दोबारा से आपके मोबाइल को खोल नहीं पाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारे मोबाइल में, ये मेरा मोबाइल अभी ओपन है, आप देख रहे हैं कि मेरा मोबाइल पूरा ओपन है और चल रहा है। लेकिन अगर मेरे मोबाइल में अगर हमें WhatsApp खोलना हो तो हम जैसे यहाँ WhatsApp को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे पिन मांग रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और चलिए हम आपके सामने हम अपने पिन डालते हैं यहाँ पर। 3, देखिए 3, 4, 2 और 9, इस तरह से किए और ये मेरा WhatsApp ओपन हो गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ये मैंने पिन डाला, ये पिन की खासियत ये है कि ये हर मिनट और हर समय चेंज होता रहता है। तो अभी जो मैंने आपके सामने पासवर्ड डाला था वो 3, 4, 2, 9 डाला था, लेकिन जब मैं अब दोबारा से पासवर्ड डालूँगा तो 3, 4, 2, 9 नहीं लेगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको दोबारा से यही पासवर्ड चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने अपने WhatsApp को फिर से ओपन करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने 3, 4, 2, 9 डालूँगा तो ये मेरा पासवर्ड अथवा WhatsApp ओपन नहीं होगा। तो देखिए, मैंने आपके सामने 3, 4, 2, 9 और ये देखिए मेरा WhatsApp ओपन नहीं होगा, ये रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। आप देख सकते हैं, दोबारा से मैंने 3, 4, 2, 9 दिया और ये मेरा WhatsApp रॉन्ग पिन नंबर दिखा रहा है नीचे। तो इस तरह से दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल में बिल्कुल न्यू लॉक लगा सकते हो मोबाइल में। इस तरह से आपका कोई भी ऐप, अगर हम अपना ऐप खोलेंगे तो इस तरह से हम कोई भी अगर, तो ये हर मिनट हर समय आपका पासवर्ड चेंज होता रहेगा और आपको पासवर्ड को याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी ऐप को आप लॉक लगा सकते हैं और आपका लॉक हर समय चेंज होता रहेगा। तो चलिए हम आपको WhatsApp का दोबारा से हम आपको WhatsApp का ओपन करके दिखाते हैं, ये WhatsApp ओपन कैसे होगा। तो इसके लिए देखिए, हमारे जो बैटरी का परसेंटेज है 3 और 4 है और टाइम पे जो मिनट है 11:31 हो रहा है। तो देखिए, हमने अपने बैटरी के परसेंटेज को यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 3, देखिए 3, 4 और टाइम जो है भी 11:31 हो रहा है, तो मैं 31 ले लेता हूँ मिनट का टाइम और जैसे ही डालूँगा ये मेरा WhatsApp ओपन हो गया। दोस्तों, इस तरह से जितना मतलब आपका बैटरी का परसेंटेज जितना रहेगा वो आपका पिन रहेगा और जो बैट आपका मिनट रहेगा वो, इस तरह से आपका आपको याद रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल न्यू लॉक है दोस्तों। जैसे कि आपका बैटरी का परसेंटेज 34% है तो आप यहाँ पे 34 डालेंगे और 11:31 हो रहा है तो हम 31 डालेंगे ओनली, तो ये मेरा पासवर्ड ओपन हो जाएगा। और जैसे हमने 1 मिनट बाद फिर अगर यही लॉक को डालेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि या तो बैटरी परसेंटेज चेंज हो जाएगा या फिर मिनट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम बार बार अपने लॉक को चेंज कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही यूनिक लॉक है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में भी जा कर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस ऐप को यहाँ से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम आपको यहाँ से देखिए, फिर से लॉक मांग रहा है, तो अभी मेरा परसेंटेज है 34% बैटरी का और मिनट हो रहा है 11:32, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दे देता हूँ 3, 4 और 3, 2, इस तरह से मेरा ये पैटर्न लॉक खुल गया इस तरह से। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस ऐप को आपको अपने मोबाइल में सेटिंग कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसमें आपको ज़्यादा परमिशन नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं अपने ऐप को। तो देखिए, हम यहाँ पे अपने प्ले स्टोर में यहाँ पे सर्च कर लेंगे अल्ट्रा लॉक, और यहाँ पे देखिए अल्ट्रा लॉक सबसे ऊपर में ही है क्योंकि मैंने सर्च किया हुआ पहले से। तो इस अल्ट्रा लॉक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए, मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपके मोबाइल में ये सेटिंग नहीं हो पाएगी, इसमें कुछ सेटिंग है जो करना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं।
और ओपन करते समय आपको एक न्यू पिन मांगेगा उसको इस ऐप को चलाने के लिए। अब तो आपको कोई भी एक पिन यहाँ पे ले लेना है, तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए 1213 यानी कि 12-13 मैंने ले लिया और यहाँ से सेट पे क्लिक किया और दोबारा से वही पिन को कंफर्म कर देंगे 12-13। इस तरह से आप भी कुछ भी ले सकते हैं, मैंने फ़िलहाल नॉर्मली पिन ले लिया 12-13 और मेरा इस ऐप का पिन हो गया। अब ये देखिए ये जो जितने भी ऐप है ये अभी खुला हुआ है, आप देख सकते हैं ये ऐप खुला हुआ है। तो जो जो ऐप को आप यहाँ से बंद करना चाहते हैं उसको यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करें तो देखिए ये पूरा लॉक हो गया यहाँ से। इस तरह से जो जो भी है ये सारा यहाँ से लॉक हो जाएगा। जो जो ऐप को आपको जैसे कि मेरा ये यहाँ से जैसे मैं फाइल मैनेजर है इसको मैंने लॉक कर दिया। इस तरह से मेरा व्हाट्सएप है तो मैंने यहाँ से अपने व्हाट्सएप को भी फ़ोनपे को लॉक कर दिया। तो चलिए इस तरह से मैं अपने व्हाट्सएप को यहाँ से लॉक कर दिया। तब इस ऐप को सेटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग यहाँ से सेटिंग आ रहा है तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक टाइप। तो इस लॉक टाइप पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए जो आपने जो पिन डाला हुआ है, जैसे मैंने पिन डाला है 12-13, क्या आप वही पिन रखना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप पैटर्न रखना चाहते हैं तो पैटर्न भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे आवर्स एंड मिनट, मतलब कितना बजे कितना बजकर कितना मिनट हुआ। मान के चलिए अगर मेरे मोबाइल में भी 11:35 हो रहा है तो हम चाहेंगे तो मेरा यही पासवर्ड हो जाएगा 11:35, फिर अगर 11:36 हुआ तो 11:36 हो जाएगा। इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या रखना है। ऐसे में अगर कोई आदमी को मतलब पता चल सकता है कि 11:35, इसीलिए मैंने परसेंटेज ले लिया और मिनट ले लिया ताकि मतलब नॉर्मली आदमी इतना जल्दी दिमाग ना लगा सके कि आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है। तो इसीलिए मैंने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल किया और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है बैटरी एंड मिनट। तो हम यहाँ पर बैटरी एंड मिनट पर हम यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर ओके कर दिए हैं। इस तरह से हम यहां से अभी इसे बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद यहां पे जो एक लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड है, आप बैकग्राउंड अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको कौन से कलर का बैकग्राउंड चाहिए, जैसे आपने जो भी पिन डालेंगे उस समय जो बैकग्राउंड होगा वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ग्रीन चूज कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। इसमें चाहे तो आप इसमें और भी आप फोटो वीडियो पे भी लॉक लगा सकते हैं, चाहे तो फोटो भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से इसको अलाउ देना पड़ेगा लेकिन मैंने अपने सिक्योरिटी के लिए मैंने इसे अलाउ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बस ऐप को ही लॉक लगाना चाहता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को भी लॉक लगा सकते हैं, तो फिलहाल मैं ऐप को ही लॉक लगे रहने देना चाहता हूँ। तो इस तरह से अब मैं जैसे ही इसे बैक करूँगा दोस्तों, और जैसे ही मैंने अब कोई भी ऐप को जैसे मैंने व्हाट्सएप को अब ओपन करना है तो मैंने जो मेरा देखिए अभी बैटरी का परसेंटेज 33% है और जो टाइम है 11:37 हो रहा है, मतलब मेरा मोबाइल का भी जो पासवर्ड है 33 और 37 है। तो चलिए हम आपके सामने 33 और फिर 37 डाल दिए और ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया। तो बहुत ही कमाल का ट्रिक है दोस्तों, और इससे आपको पासवर्ड कभी ज़िंदगी में भूलने का तो कोई नाम ही नहीं है, ना ही याद रखना है और ना ही भूलोगे। तो बहुत ही कमाल का ट्रिक है, आप भी अपने मोबाइल में ऐसे यूजफुल लॉक को, पैटर्न लॉक को या अलग जिस भी तरीके से रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर तो बनता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।